हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपके चैप्टर या अध्याय ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण को, और आज हम इसमें करने वाले हैं इंडेक्स क्वेश्चन का पार्ट वन। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन आपका, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को बताइए। तो द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर थिंग विद ए फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्यत्क्रमानुपाती होता है। चलिए चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर टू है आपका, क्वेश्चन नंबर टू है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यानी पृथ्वी और पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे चलो मान लेते हैं एफ जो है उन दोनों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। एम क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का मास है, यानी पृथ्वी पर किसी जो सतह पर वस्तु रखी है उसका द्रव्यमान है, और जो बड़ा एम है कैपिटल एम है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, और आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इस हिसाब से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला बैठेगा, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम कैपिटल वाला स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला बैठेगा। तो बच्चों यहाँ पे वाली वीडियो होती कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।